श्रम सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही केंद्र सरकार को ट्रेड यूनियनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को देश भर की प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने प्रस्तावित श्रम कानूनों के विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। मजदूर संगठन इन सुधारों को श्रमिक विरोधी बता रहे हैं, साथ ही सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश की केंद्र सरकार की कोशिशों का भी विरोध कर रहे हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में आरएसएस से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक, एटक, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर एआईटीयूसी और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इनकी मांग है कि सरकार को श्रमिकों के हित में नियम बनाने चाहिए और उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो विरोध तेज किया जाएगा। हम चाहते हैं सरकार बिल नहीं ले आए, मजदूर का हित में कानून बनाए, मजदूर का विरोध में नहीं और पूंजीपतियों का स्वार्थ में नहीं। सरकार हमारा बात नहीं सुनेंगे तो आने वाला दिन में और जबरदस्त लड़ाई का तैयारी हम लोग करेंगे। ये मजदूर संगठन सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश और रक्षा उत्पाद, रेलवे और बीमा क्षेत्र में FDI का भी विरोध कर रहे हैं। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ट्रेड यूनियनों से अपील की कि वे प्रस्तावित श्रम सुधारों पर विरोध प्रदर्शन न करें। बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार जल्दी ही उनकी बातों पर विचार विमर्श के लिए त्रिपक्षीय बैठक करेगी और हम चर्चा के जरिए इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में संसद ने श्रम कानूनों में सुधार लाने वाले उस विधेयक को मंजूरी दी थी जिसमें छोटे संस्थानों को विवरणी देने और रजिस्टर रखने से छूट दी गई है। सरकार के मुताबिक ये विधेयक असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा करेगा। सरकार का कहना है कि कानूनों के बेहतर तरीके से कार्यान्वयन, निगरानी प्रक्रिया ठीक करने और अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को देखते हुए जरूरी बदलावों की दिशा में वो आगे बढ़ रही है। इसके लिए बाल श्रम कानून, फैक्ट्री कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून सहित विभिन्न श्रम कानूनों में सुधार पर सक्रियता से काम कर रही है। मजदूर संगठनों की मुख्य चिंता इन्हीं कानूनों में बदलाव को लेकर है जिसके बारे में सरकार ने बातचीत के जरिए सहमति बनाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।